तो आज हम लोग बनाने जाएंगे ये जोंकी का, इसको सहजन भी बोलते हैं, यूनिक दाल। इसके लिए मैंने लिया है 2 कप मिक्स दाल, ठीक है। और ये मैंने कम से कम 5 से 6 ये जो ड्रम स्टिक है इसको काट लिया है। अब मैं इसे बनाने जा रही हूँ। अब मैं ये दाल को गैस पे चढ़ा दी हूँ। इसे मैं करीब 5 मिनट तक बॉईल करूँगी, उसके बाद मैं इसमें ड्रम स्टिक डालूँगी। मैंने इसमें कुछ भी नहीं डाला है, बस दाल जल्दी से गल जाए इसलिए मैंने बस इसमें हल्का सा नमक डाला है। अब इसमें मैं 5 मिनट तक इसे अच्छे से ढक के बॉईल करूँगी। देखिए मेरा दाल थोड़ा गल चुका है, अब मैं इसमें डाल दूँगी ड्रम स्टिक। ये मैंने ड्रम स्टिक डाल दिया है। अब इसे दोनों को साथ में कुछ देर तक, जब तक ड्रम स्टिक गल जाता है, इसे बॉईल करूंगी। देखिए अब बहुत अच्छे से ये ड्रम स्टिक और दाल पूरे अच्छे से गल गया है। अब इसे मैं बंद कर दूंगी और इसके तड़के की तैयारी करती हूँ। तड़के के लिए मैंने कढ़ाई बैठा दिया है, उस पे मैंने तेल दे दिया है। अब इसमें मैं थोड़ा सा जीरा डाल दूंगी। जीरा चटक चुकी है, इसमें मैं लहसुन डाल दी हूँ। अब मैं इसमें डाल दूंगी 2 प्याज। अब इसे मैं प्याज को ट्रांसपेरेंट होने तक भून लूंगी। मैं इसमें थोड़े कड़ी पत्ता भी डाल देती हूँ। प्याज मेरा ट्रांसपेरेंट होने तक भून चुका है। अब इसमें मैं थोड़ी सी डाल दी हूँ जीरा पाउडर, थोड़ा सा धनिया पाउडर, और थोड़ी सी हल्दी पाउडर। अब इसे अच्छे से भून लेंगे। ये अच्छे से भून चुका है, अब इसमें डाल दूंगी टमाटर। इसे पूरे टमाटर को अच्छे गलने तक पका लेंगे। ये पूरे अच्छे से गल चुका है, अब इसमें मैं वो दाल को डाल दूंगी। इसे अच्छे से पूरा मिक्स कर लूंगी। अगर आप इसे रोटी के साथ खाएं तो ऐसे ही गाढ़ा रखें, नहीं तो इसमें थोड़ा सा पानी डाल सकते हैं। ये बहुत ही टेस्टी और हेल्दी है, आप एक बार ज़रूर घर में ट्राई करें। ये हमारा तड़का दाल का नया रेसिपी बनके रेडी है। तो प्लीज़ हमारे वीडियो के साथ बने रहें।